रक्षाबंधन सणाचे औचित्य साधून दरवर्षी धारणी शहरापासून तर ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या संख्येत मेळघाटचे लाडके आमदार राजकुमार पटेल यांना राखी बांधण्याकरिता त्यांच्या धारणी येथील निवासस्थानी येत असतात. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मेळघाटातील महिलांनी आपल्या लाडक्या भावाला म्हणजेच आमदार राजकुमार पटेल यांना राखी बांधण्याकरिता त्यांच्या घरी एकच गर्दी केली होती. राखी बांधून झाल्यानंतर आमदार राजकुमार पटेल यांच्याकडून आपल्या लाडक्या बहिणींना भेट वस्तू म्हणून साडीचे वाटप करण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मेळघाटच्या ग्रामीण भागातील महिला आमदार राजकुमार पटेल यांना रक्षाबंधन निमित्त राखी बांधण्याकरिता त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर आमदार राजकुमार पटेल यांच्याकडून उपस्थित सर्व लाडक्या बहिणींना भेटवस्तू म्हणून साडी देण्यात आली. याबाबत माहिती शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत मिळताच हजारोंच्या संख्येत महिलांनी आमदार राजकुमार पटेल यांच्या घरी गर्दी केली. आमदार राजकुमार पटेल यांच्या घरी आलेल्या प्रत्येक लाडक्या बहिणीला आमदार राजकुमार पटेल यांनी स्वतःच्या हाताने साडी वाटप केली. विशेष म्हणजे आमदार राजकुमार पटेल यांनी कोणतेच आवाहन आणि नियोजन न करता साडी दिल्यानंतर इतर महिलांनी सुद्धा आपल्या लाडक्या भावाला म्हणजेच आमदार राजकुमार पटेल यांच्याकडे जाऊन साडीची मागणी केली. त्यानंतर आमदार राजकुमार पटेल यांनी हजारो महिलांना साडी वाटप करून त्यांना रक्षाबंधन निमित्त शुभेच्छा दिल्या. कोणतेही नियोजन आणि आवाहन न करता आम्ही मेळघाटातील आमच्या लाडक्या बहिणींना साडीचे वाटप केले आहे. काही बाहेरील लोक येऊन मेळघाटातच अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या साड्या वाटप करून घाणेरडे असे राजकारण करून जातात आणि मला शिव्या देतात. पण मी माझ्या मेळघाटची संस्कृती विसरणार नाही. मी फक्त साड्या वाटप करणार आणि आपल्या लाडक्या बहिणींना शुभेच्छा देणार, कोणाला शिव्या देणार नाही. अशा शब्दात आमदार राजकुमार पटेल यांनी आपल्या विरोधकांना धडा शिकवला हे विशेष. आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये हमने जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा है, अलग ये नियोजित कार्यक्रम नहीं था और हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि हम रक्षाबंधन में हमारे लाडली बहनों को कोई साड़ी देने वाले हैं. हम खुद होके सोचा था कि भाई अपन बगैर बताए देना है, लेकिन योगायोग आज ऐसे थे कि हर साल मेरे पास में कम से कम 50 बहन आते हैं मेरे को रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए. लेकिन अब की बार हमने साड़ी की व्यवस्था की है. हमने ऐसा नहीं किया था कि हमको ये साड़ी नहीं बांटना है करके. हमको साड़ी बांटना था, लेकिन धार्मिक के लिए अलग बांटना था, खेड़े गांव के लिए अलग बांटना था, ऐसा हमारी व्यवस्था थी. लेकिन योगायोग सवेरे क्या हुआ कि एक 20-25 बाया आया जो हमेशा राखी बांधने आते, वो आए और राखी बांधे और मैंने उनको जो पैकेट वाला आपको जो साड़ी दी है वो पैकेट के पैकेट मैंने उठा के दे दिए. वो हाथ में लेते हुए वो बस्ती के अंदर से चले गए. अब वो बस्ती के अंदर से जाना और यहाँ पे जमगढ़ जमना, हालांकि हमने पूरा कोशिश किया था, 3-4 बार तक हम रंग भवन में हमने वाटर किया, लेकिन फिर भी कंट्रोल के बाहर हो गए. आखिर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने बोला अब करूँ तो क्या करूँ. मैं अपने पास में साड़ी है नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना गर्दी कर रहा था और इतना मैंने सामने से बाहर से निकल रहा, पीछे से घुस रहा, बाहर से निकल रहा, पीछे से घुस रहा, ऐसा कुछ तो भी गलत हो रहा था. उस टाइम हमने ब्रेक कर दिया था. बाद में रोहित गया था अपना झिल्पी गया था वहाँ पे साड़ी वाटप करने. उधर से आने के बाद में जितने लोग यहाँ पे रुके थे उन सबको बोले कि ठीक है अभी रुको, जरा थोड़ा सा एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम कर लेता, रोहित साहब सब हम साड़ी वाटप करेंगे. आज एक व्यवस्थित कार्यक्रम यहाँ पे बगैर बल. दूसरी बात यह है कि मैं साड़ी वाटप कर रहा हूँ लेकिन मैं किसी आमदार खासदार को गाली नहीं दे रहा हूँ. ये हमारे साड़ी वाटप में ये खासियत है, हम साड़ी बांटते हैं और दूसरे को गालियां नहीं देते हैं. और कुछ लोग साड़ी बांटते हैं वो हमको गाली देते हैं, फर्क इतना ही है. और ये जनता सब समझते हैं, अरे तुमने तो गांव-गांव में धार्मिक तालुका में पूरा अनाउंस करने के बाद में जितना पब्लिक नहीं आया उतना मेरे बगैर बुलाए आ गए, और इससे ज़्यादा क्या होना. ये मेरा श्रेय है. और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मान लो मैंने अपने यहाँ पे अगर मैं धार्मिक तालुक में मैं कभी अनाउंस करता था तो ये कहे तो क्या, लेकिन हमको हाईस्कूल का ग्राउंड भी कम पड़ जाते थे. इतने हमारे लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है. आज यहाँ आए सभी बहनों का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उनको शुभेच्छा देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. या प्रसंगी आमदार राजकुमार पटेल, धारणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती रोहित राजकुमार पटेल, जगदीश हेकडे, रुपेश भारती, प्रकाश गाडगे, रोशन मोहोळ, ऋषभ गाडगे यांच्यासह आमदार राजकुमार पटेल मित्रमंडळातील पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित झाले होते. तस्मिन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमदसह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी.